الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين محمد واله وصحبه اجمعين उमन तब्याम बेहसन इलाम्दीन अम्मा बद नाजरन कराम इससे पहले नशस्त में हमने क़्यामैल के फ़ाइल क़ुरान मजीद में जो बयान किए गए हैं उनको सुना इस एपिसोड में इनशा सुबहान तमिल के तल्लुक़ से ही हादिस में क्या फ़जाइल वारद हैं क़्यामैल का हुक्म क्या है क्यामिल पढ़ने का तरीक़ा और उसके आदाब क्या हैं और क़यामिलैल कितनी रकतें पढ़ी जाएंगी इन तमाम तफसील पर इनशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की रोशनी में आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश की जाएंगी जिससे ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि अल्लाह के रसूल सल सल्हम ने क़्याम की कितनी फ़गीलत अपनी अदीस में बयान फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल इस सुन्नत पर अमल किया है और इसकी अहमियत बयान करके उम्मत को ये पैगाम दिया है कि उम्मत को भी इसका खास ख़ासमाम करना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह के बहुत ही मखसूस और मुकर्रब बंदों की पहचान है ये अल्लाह के बहुत ही नेक बंदों की पहचान है कि वो अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह के सामने हाज़िर हों मुश्किल हालात हों जिस तरह के भी हालात हों बहुत ही मुश्किल होता है रात में उठना और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना तो वफ़ार करना अगर कोई ये बंदा करता है और तन्हाई में करता है घर में करता है तो जाहिर है कि ये अल्लाह के मुकरब बंदा होने की एक अजीम अलामत है एक बहुत बड़ी पहचान है तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने अपनी अदीसी मुबारक के अंदर भी बहुत तफस के साथ कई أحاديث کے اندر اپ نے قیام اللیل کی فضیلت بیان فرمائی ہے حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنه اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه बैद अलफरी सलातुल्ल सही मुस्लिम की रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्हम ने फ़रमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अहम और क़ीमती रोज़ा जाहिर है कि महरम का रोज़ा है और नमाजों में फ़राइ के बाद सबसे अहम और कीमती नमाज पयामिल्ल है इससे इस नमाज की अहमियत का पता चलता है कि फ़राइज के बाद जितने भी नवाफिल हैं और जितनी भी सुन्नतें हैं उन सुन्नत और उन यानी नवाफिल नमाजों में सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा फजीलत वाली नमाज क्यामलैल है जैसा कि इस हदीस से पता चलता है एक और हदीस से इसकी फ़जीलत मालूम होती है इस हदीस की रिवायत हज़रत अब्दुल्ल इबिन रजील्ल्लो करते हैं और यह हदीस सनंतरमिज़ी अबाबल सिफ़त अक़्यामा में यह हदीस मौजूद है और शेख अल्बानी रहमल्ह ने इस हदीस को सही करार दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अलिहि वसल्लम फरमाते हैं या अय्युहाननास अफशूस सलाम व अतअमुत तआम व सल्लु बिललैली व नअस नयाम ज़न्नत बिसलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि ए लोगो सलाम को आम करो सलाम को आम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होगी अतअमुत गरीबों और मिसकीनों को खाना खिलाओ इससे अभी आपस में मोहब्बत पैदा होगी एक अच्छा मुआशरा वजूद में आएगा इसी तरीके से सल्लु बिल्ली वन्ना सुनियाम के रात में उस वक्त नमाज अदा करो जब लोग सो रहे हों जब लोग खाब गफलत में पड़े नींद के खर्राटे ले रहे हों नींद की आगोश में हों उस वक्त तुम नींद की आगोश से गर्म बिस्तरों से निकल करके तुम अल्लाह सुबहान सामने आकर के झुक जाओ अल्लाह की इबादत करो अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह से तोबा इस्तफार करो जो इन सिफ़ात के हामिल हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाया तद खुलजन्नतबीसलाम बहुत ही आसानी और बहुत ही इतमान के साथ तुम इनशा बिला किसी उलझन बिला किसी परेशानी के तुम इनशा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे इस हदीस से पता चलता है कि हम अगर तमाम शरीयत की पाबंदी के साथ साथ इन चीज़ों का खास अहतमाम करें तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इन शुबाण हमें जन्नत में बहुत आराम से दाखिल फरमाएगा आप इस हदीस पर गौर कीजिए कि दो बातें पहले बताई गई अफशुसलाम व आतीम उत्ताह और एक रिवायत में वसलरह इन तीनों का ताल्लुक बंदों से है तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि बंदों के जो हकूक़ हैं उसका भी ख़ास तौर से लिहाज होना चाहिए बंदों के जो हकूक़ हैं उसका भी ख़ास तौर से एतबार होना चाहिए फिर अल्लाह सुबहान हक बिल्कुल आखिर में जिक्र किया सलूबिल् सुनिया ये ख़ात्मा और ये ततिमा और ये आखिरी बात अल्लाह के रसूल वसल्लम ने एक मिसकुल खिताम और महर के तौर पे जिक्र फरमाई कि एक बहुत ही अहम चीज़ है हकूक इबाद की अदायगी के साथ अगर तुम हकूक़ल्ला का भी ख्याल करते हो तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम जन्नत में चले जाओगे तो आज हमारे माशरे के अंदर लोग नमाजों का अहतमाम तो करते हैं लोग अल्लाह के हकूक को अदा करने की कुछ ना कुछ कोशिश तो करते हैं लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद सारा ईमान हम मस्जिद में छोड़ के आ जाते हैं मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों इस तसलसल के ज़रिए से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए जिन लोगों के ईमान सिर्फ मस्जिदों में होते हैं मस्जिद से निकलते ही बाजारों में गाली गलूच धोखा खयानत बदहदी एक दूसरे के हकूक का सब कर लेना एक दूसरे का माल कसब कर लेना ये ईमान वाले लोगों की अलामत नहीं है ये बेईमान लोगों की अलामत है अगर आपके अंदर ऐसा है कि मस्जिद से निकलते ही आपका ईमान खतरे में पड़ जाता है और आप अपनी पुरानी रविश पे लौट आते हैं तो आप अपने ईमान का जायज़ा लीजिए ये ईमान वालों की अलामत नहीं है ये तखवा वालों की अलामत नहीं है ये अल्लाह के मुकर्रब और ख़ास बंदों की अलामत नहीं है कि मस्जिद में हो तो ईमान वाले बाहर हो तो बेईमान अल्लाह के हकूक बंदों के हकूक़ इन दोनों को अदा करना ये शरीयत का तकाज़ा है इस हदीस से भी पता चलता है और बेशुमार हदीस से यही पता चलता है कि आप अल्लाह के हकूक के साथ साथ बंदों के हकूक भी अदा करें ये बहुत ही जरूरी चीज़ है एक और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल वसल्लम ने क्यामलैल की फ़ज़ीलत बयान फरमाई है اور یہ ايه حدیث سنن كتاب کے اندر كتاب الدعوات میں ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی الله تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بقيام الليل اللہ کے رسول بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة الى ربكم ومكفرة للسيئات و मनहत या अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम क्यामिल का अहतमाम करो रात में नमाज तहजुद का ख़ास तौर से अहतमाम करो क्या है ये तुम में से जो पहले लोग थे ना नेक लोग ये उनका तरीका रहा है ये उनका शार रहा है ये उनका तर्ज़ अमल रहा है यह उनका तर्ज़ ज़िंदगी रहा है तो इस तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार करो इस अमल को इख्तियार करो तो नेकों में तुम भी आ जाओगे और ये तकरब इलाही का भी जरिया है और साथ ही साथ गुनाहों की माफी और मासीतों से बाज रहने का भी सबब है देखिए लोग कहते हैं कि हम गुनाह से कैसे बचें हम कैसे नेक बंदे बन जाएं इस हदीस के अंदर उसका वाज जवाब और बेहतरीन जवाब मौजूद है कैसे हम नेक बन सकते हैं कैसे हम गुनाहों से दूर रह सकते हैं नमाजों के साथ साथल का एहतमाम कीजिए रात में तहजद का एहतमाम कीजिए इस एहतमाम से पहली चीज़ तो ये होगी कि आपका शुमार अल्लाह के नेक बंदों में होगा और दूसरे आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे और तीसरे आप गुनाहों से बच जाएंगे मासीतों से बच जाएंगे बुरे कामों से दूर हो जाएंगे आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल गया कि हम गुनाहों से कैसे बचें हम अल्लाह के करीब कैसे हो जाएं हम नेक लोगों में कैसे शामिल हो जाएं इन तीनों सवाल का जवाब इस हदीस के अंदर मौजूद है आज जरूरत इस बात की है कि हम क्यामलैल का अहतमाम करें तो इन शुभान ताली हम नेकुकारों में भी शामिल हो जाएंगे हम गुनाहों से भी बच जाएंगे और अल्लाह के मुकर बंदों में भी, भी शामिल हो जाएंगे अल्लाह का क़ुरब भी हासिल हो जाएगा इस यानी यानि क्यामल केमाम की, की वजह से कुरान मजीद के अंदर और हादीसी नबिया के अंदर जो क्यामलैल के फ़ाइल बयान किए गए आपके हजरात के सामने इनका तकाजा है कि हम इन पर अमल करें इनको अपनी ज़िंदगी में नाफिस करें और महज़ बातों से बातें ना बनाएं बल्कि हम देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था साहब के राम रिजवानल आल मजमाइन का तरीक़ा क्या था शरीयत क्या कहती है किस तरह से हम अल्लाह के खालिस बंदे बन जाएँ यही एक मोमिन की कामयाबी है मोमिन की कामयाबी क्या है फमनजुह से हा आन फास एक मोमिन की कामयाबी ये है कि मोमिन बंदा जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाए वो सबसे बड़ी कामयाबी है उससे बड़ी है एक मोमिन बंदे के लिए कोई कामयाबी नहीं हो सकती तो इस कामयाबी का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है अल्लाह का हो जाना अल्लाह का ख़ास बन जाना अल्लाह का नकुकार बंदा बन जाना ये सब कुछ क्यामिल के ज़रिए से मुमकिन है दीगर नमाजों के साथ साथ फ़राइज के साथ साथल का अगर हम इहतमाम करते हैं तो अल्लाह सुबहान तै इनशाला हमें उन बंदों में शामिल फरमाएगा आइए अब हम क्यामिल्ल के बारे में कुछ और बातें आगे करते हैं कि क्यामिल्लैल का हुक्म क्या है क्या ये फ़र्ज़ और वाजिब है या वाजिब नहीं है तो क़यामैल ये सुन्नत है और क्यामिल ये वाजिब नहीं है लेकिन इसकी बहुत फजीलत है इसका बहुत मकाम है इसका बहुत मरतबा है लेकिन ये वाजिब नहीं है इसलिए कि अगर वाजिब और ज़रूरी हो जाती तो इसका करना बहुत मुश्किल हो जाता जैसा कि तरावी के सिलसिले में बात आएगी क्यामल्लेल के सिलसिले में कि ये इतनी अच्छी नमाज है इतनी प्यारी नमाज है रब को इतनी महबूब है कि अगर तुम मुसलसल पढ़ते रहते अल्लाह तुम पर फर्ज कर देता पसंद आ जाती है नमाज और आज तो तुम कर रहे हो बाद में नहीं कर पाते ये अल्लाह के रसूल वसलम ने इंसानी फितरत को मद्देनजर रखते हुए बात कही कि इंसान के अंदर बड़ा जोश होता है दो दिनों के लिए बड़ा जज्बा होता है दो दिनों के लिए लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इंसान के अंदर वो जोश वो जज्बा कम होता जाता है ख़त्म होता जाता है एक वक्त आता है जो मान पड़ जाता है बिल्कुल तो अल्लाह के रसूल इस चीज़ को जानते थे हजरत अब्दुल्लबी अमर त से वारद एक हदीस सही बुखारी किताबोत तहजद के अंदर यह हदीस मौजूद है फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा या यह आब्दल् ले तक मिस कहने खूमईल फतरा का क्याम्ल अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फला आदमी की तरह ना हो जाना जो पहले तो क्याल करता था लेकिन अब नहीं करता इस हदीस से क्या पता चला कि नमाजों के अंदर क्याम्लैल के अंदर तसलसल होना चाहिए इंसान को चाहिए कि मुसलसल इस तरह की नमाजें अदा करें यह अल्लाह को बहुत ही महबूब हैं अल्लाह की बहुत ही पसंदीदा नमाजें हैं लिहाजा इंसान को मुसलसल और तसल के साथ इनको अदा करना चाहिए इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फ़रमाया कि फ़तरा का क्यामल ली कि फिर उसके बाद उस आदमी ने नमाज तर्क कर दी तो उस आदमी की तरह मत बन जाना तो अगर ये नमाज ज़रूरी होती वाजिब होती उलमा का इस्तिदलाल इससे इसी तरह से कि अगर ये नमाज वाजिब और ज़रूरी होती तो अल्लाह के रसूल सल्ला फरमाते कि तर्क नहीं करना है इसको

सही बुखारी किताब तहजद के अंदर यह हदीस मौजूद है वो वाक़ा मशहूर वाक़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आली रज़ील् तालन्हों और हज़रत फ़ातिमा रजिय तहाँ के घर तशरीफ़ लाए और आप सलील वसम नेमैल के लिए उन हज़रा को बेदार किया तो उसके बाद हज़रत आली ऱी तों ने बेदार होने से मना कर दिया चुनान चेला के रसूल सल्लम फ़नसार फ़हीन अकुल नहिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बेदार करके वापस चले गए हम बेदार नहीं हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हमने मना कर दिया बेदार होने से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ते हुए ये आयत पढ़ी व का नल इंसान व अक्सर शईन जद इंसान कितना ही झगड़े वाला वाक़ हुआ है तो हज़रत अली नबी तालीब रज्ला तू की इस हदीस से कई बातें हमें सीखने को मिलती है, कई हैं कई बातें पता चलती हैं सबसे पहली बात तो यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम अपने साहब कराम को तहज्जुद के लिए बेदार करते थे अपने करीबी लोगों को बेदार करते थे तो इससे हमें यह नसीहत मिलती है कि हम भी अपने अकरबा आइज़ा को जो भी नेक हों अच्छे हों चाहते हों तहज्जुद पढ़ना तो उनको बेदार करें दूसरी बात यह भी पता चलती है कि बहुत ज़्यादा सख्ती से काम नहीं लेना चाहिए अगर कोई शख्स नहीं उठना चाहता है क्योंकि ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है इंसान की अपनी नेकी उसके तकवा उसके अल्लाह से की बात है कि इंसान उसे अदा करता है या नहीं करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सख्ती नहीं की बल्कि अल्लाह के रसूल वहाँ से वापस चले आए तीसरी बात ये पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सख्त अल्फाज कहे थे वकानसान अक्रश जदला कि इंसान लड़ाका का हुआ ये सख्त अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उठने की वजह से नहीं कहे थे बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से कहे थे क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने आपका सख्त जवाब दिया था कि अल्लाह के हाथ में है उठना हम कैसे उठ जाएं इस तरह की बात जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने की थी तो इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सख्त अल्फाज फरमाए थे इसी तरह से एक और हदीस जिसमें हजरत आयशा रजील् तैन बयान फ़रमाती हैं सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल वसल्लम मुसल कई रातें तहजद के लिए बाहर निकले और फिर बाद में देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो आप वसल्लम नहीं निकले हदीस के अल्फाजें क़दर आयतुल्लि सनात मौलम यमनानुरूज इम्ल ख़शी तोी रमदान रम़ानमबारक का महीना था आपने कुछ रातें नमाज़ पढ़ाईं तो सहाबे कराम बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अगली रात नहीं निकले और ये खदशा ज़ाहिर फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इतनी महबूब नमाज है कि अगर इसको हम पढ़ते जाएंगे तो अल्लाह ताला मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं फ़र्ज ना कर दे लिहाजा इस वजह से मैं निकला नहीं रात को हालांकि मैं जानता था तो इन तमाम अहादीत से ये पता चलता है कि नमाज बुनियादी तौर से वाजिब नहीं है इंसान की अपनी नेकीी और उसका अपना तकवा उसका अल्लाह से अपना तकर्रब है कि वो किस कदर अल्लाह से तकरब हासिल कर लेता है तो वो इस नमाज को ख़ास अंदाज़ में अदा करे और इसका तसलसल के साथ अहतमाम करे क्याम्लैल का वक्त कौन सा होगा ज़ाहिर के हदीस में इसकी सराहत फारीद है और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्ला वम से ये बात जिक्र की है कि इसका वक्त ऐशा से लेकर के तलव फजर तक है यानी फ़जर की नमाज़ से पहले तक पूरी रात इसका वक्त होता है लिहाजा अगर कोई शख्स क्याम्ल करना चाहे जैसा कि रमज़ान में हम लोग क़यामल आम तौर से इब्तदाए रात में करते हैं इब्तदाए रात के अलावा अगर आप दरमिया रात में करना चाहें या आखिर रात में करना चाहें तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है बस फ़जर से पहले का वक्त होना चाहिए और इसकी सराहत अदी से मिलती है सही मुस्लिम के अंदर इसकी सराहत मौजूद है और अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने इसको बयान फरमाया है एक अहम मसला क्याम के हवाले से ये भी है कि कितनी रकतें पढ़ी जाएंगी और कैसे पढ़ी जाएंगी तो तरीक़ा क्या होगा पढ़ने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें पता चलता हैज़रत अब्दुल्ल इबन ममर रदी अल्लाह तुम इस हदीस के रावी हैं सही बुखारी किताबालफ़र के अंदर यह हदीस मौजूद है

दो दो रकतें करके पढ़ी जाएंगी और जब सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो तुम आखिर में एक रकात पढ़ लो वो तुम्हारे लिए वित्र हो जाएगी एक आखिरी बात जो इस हवाले से सबसे अहम बात है जिक्र करनी है वो ये कि कितनी रकतें तहज्जुद की क्यामल की या तरावीह की अदा की जाएंगी ये तीनों नमाज़ें एक हैं लिहाजा हमें इन तीनों नमाजों को या क्यामिलइल जो भी कह लें आप ये एक ही नमाज के मुख्तलिफ़ नाम हैं ये कितनी रकतें पढ़ी जाएंगी तो अल्लाह के रसूल वसल्लम से की एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ उससे यह अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के रसूल वसल्लम इस नमाज़ को कितनी रकतें पढ़ते थे हजरत अबू सलमा इब्ने आब्दर उन्होंने सवाल किया हज़रत आयार से कि कई फ़कानत सलात सल फ़ीरान फ़कालत मा कान रसो सतन يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشه فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا عائشه ان عيني تنامان वलानाकलबी यह हदीस सही बुखारी किताब तहजुद के अंदर मौजूद है इस हदीस के अंदर हज़रत अबूस अबिनबा रमन ने हज़रत आयशा रजील् तह से पूछा कि अल्लाह के रसूल सलम की रमज़ान या गैर रमज़ान में त्यामल का तरीक़ा क्या था नमाज तहजुद कैसे पढ़ते थे तो हज़रत आयशा ने बहुत ही सराहत के साथ फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल रमज़ान या गैर रमज़ान में ग्यारह रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे तो उसमें तीन रकतें ये की शामिल हैं लिहाजा आठ रकतें हुई और इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आठ रकतों से ग्यारह रकतों से या बाज रिवायत के अंदर तेरह है इतनी रकतों से ज्यादा कभी अल्लाह के रसूल वसल्लम नमाज तहज्जुद नमाज तरावी क्याम अदा नहीं करते थे हज़रत आयशा रदी अल्लाह फरमाती हैं कि फलि कि अल्लाह के रसूल सल्हु वम ये जो नमाज़ें अदा करते थे ये जो तरावी की नमाज या क़याम की नमाज़ अदा करते थे बहुत ही लंबा क़याम फरमाते थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आप अलैहि वसम इनकी अदायगी फरमाते थे तो इस हदीस से पता चला कियामुलल और तारावी की नमाज़ ये बहुत ही लम्बी होनी चाहिए और बहुत अच्छे अंदाज में अदा होनी चाहिए जैसा कि इस हदीस के अंदर हमने इससे पहले तफसील से बयान किया अल्लाह के रसूल वसल्लम की इस हदीस से हमें सराहत के साथ ये बात पता चलती है कि तरावी की नमाज बुनियादी तौर तो से आठ रकतें और इन आठ रकतों को नहायत तवील अंदाज़ में अदा करना चाहिए और पूरे हसन और ख़ूबसूरती के साथ अदा करना चाहिए यही अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम का तरीक़ा और आपका शेवा रहा है और आपकी सुन्नत रही है लिहाजा पहले ईमान का तरीक़ा ये होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्ला व् की सुनतों के हवाले से तसब बरतें तसब का माना यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लाम ने कैसे इन नमाज़ों को अदा किया है किस अंदाज़ में अदा किया है किन आदाब का पास रखा है उन आदाब का उन तरीक़ों का और उसी नहज पर नमाज अदा करने की ज़रूरत है यही दरअसल सुन्नत रसूल से मोहब्बत का सच्चा तकाजा है और यही दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सच्ची दलील है लिहाजा हमको चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार बनें अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के तई मोहब्बत और अकीदत पैदा करें यही शरीयत की जानिब हम से हमसे मतलूब है अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का सच्चा और पक्का मतबे और ताबे फ़रमान बनाए रब्बना इन्नका अंतस समीउल अलीम कामीम अलैकुम व वरम्त व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें